नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी और डिजिटल न्यूज़ MDN पर। दोस्तों बात करने वाले हैं ZTL इंफ्राडेक्सर लिमिटेड स्टॉक के बारे में। सो गाइस, अभी टाइम देखा जाए तो ZTL पर फिर से दोस्तों तेज़ी पर क्लोजिंग नजर आई है। पर दोस्तों इस तेज़ी के पीछे की बड़ी वजह क्या होने वाली है दोस्तों, विदन प्रूफ के साथ आप लोग को बताने वाला हूँ। और मंडे को दोस्तों बड़ी तेज़ी देखने को मिलने वाली है, वो किस वजह से देखने को मिलने वाली है वो भी आप लोग को बताने वाला हूँ। और साथ ही साथ दोस्तों अभी टाइम कंपनी के Q2 के रिजल्ट को लेकर क्या अपडेट रहने वाली है, और कंपनी का जो डेटा है कब तक आएगा और किस प्रकार का आ सकता है, चार्ट संकेत क्या होने वाला है। सबसे पहले दोस्तों अगर प्राइस ओपनिंग की अगर बात की जाए तो दोस्तों आज की ओपनिंग 85 पैसे के साथ ओपनिंग नजर आई थी। और साथ ही साथ दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए तो दोस्तों जो ओपनिंग जो हाईस्ट प्राइस देखने को नजर आई वो 95 पैसे तक आज जंप करते हुए मार्केट प्राइस देखने को नजर आई थी। पर इस बीच अगर यहाँ पे देखा जाए क्लोजिंग दोस्तों 95 पैसे पर आज की रहने वाली है, जिसमें रिटर्न्स की अगर बात की जाए तो 5.5% की रिटर्न्स पर आज जो तेज़ी है वो देखने को नजर आई है। पर इस बीच दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगा कि फिलहाल दोस्तों मार्केट में जो बड़े इन्वेस्टर है वो वापस ऑलरेडी आ चुके हैं। और अगर आज देखा जाए तो दोस्तों आज मार्केट में फिर से बड़ी बाइंग ऑर्डर ऑलरेडी लग चुकी है। तो जितना हो सके दोस्तों अभी के टाइम हम लोग को जो है होल्ड यहाँ पर रखने की आवश्यकता है। और अगर दोस्तों अगर हम यहाँ पर होल्ड अगर रखते हैं तो मार्केट में जो तेज़ी है वो काफ़ी बढ़कर देखने को नज़र आने वाली है। सबसे पहले अगर लास्ट पिछले 5 ट्रेड अगर देखते हैं तो दोस्तों उसमें जो है गिरावट अभी टाइम देखने को नजर आ रही है, क्योंकि दोस्तों प्राइस तो पिछले 5 दिनों में 1 रुपये तक भी क्लोजिंग या फिर हुई थी। पर उसमें अगर देखा जाए तो मार्केट में दोस्तों 85 पैसे तक गिरावट हुई, और अगर देखा जाए तो फिर आज 95 पैसे पर क्लोजिंग देखने को नजर आई है। तो इसमें दोस्तों मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि मार्केट में बंप और डंप का जो खेल है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, तो थोड़ा सा आप लोग इस चीज़ से अलर्ट रहने की आवश्यकता है। पर अगर आज देखा जाए तो मार्केट में दोस्तों फिर से आज बड़ी बाइंग ऑर्डर लगी है। लास्ट अगर 1 महीने की अगर बात की जाए तो लास्ट 1 महीने में दोस्तों रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रहने वाले हैं। 13.64% की जो रिटर्न्स है वो नेगेटिव जाती हुई नजर आ रही है। उसी के साथ साथ अगर यहाँ पे देखा जाए तो अभी के टाइम वर्तमान में जो है 15 पैसे की जो गिरावट है वो यहाँ पे रहने वाली है। पर अभी टाइम मैं आप लोग को रेकमेंड करूँगा कि दोस्तों आप भी भले बाय ना करें और ना ही सेल करें, तो दोस्तों मैं आप लोग को रेकमेंड करूँगा कि फिलहाल दोस्तों आप यहाँ पे होल्ड रखें। दोस्तों मैं बाय करने के लिए तो बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगा फिलहाल देखा जाए तो, दोस्तों सेल करने के लिए भी नहीं बोलूँगा, पर अभी टाइम मैं होल्ड रखने के लिए बोलूँगा। क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पर देखा जाए तो लास्ट 6 महीने का दोस्तों अगर डेटा अगर देकर हम आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों उसमें जो प्रॉफिट है वो काफ़ी अच्छा इंक्रीज यहाँ पे हो सकता है। और साथ ही साथ दोस्तों कई कमेंट्स ये भी देखने को मिलते हैं, अगर मार्केट जिस नीचे के लेवल तक अगर गिरता है तो दोस्तों हम उसी मार्केट की प्राइस से दोस्तों नीचे की जो गिरावट की जो प्राइस रहेगी उसी से बाय करेंगे और ऊपर के लेवल पर फिर से सेल करेंगे। तो दोस्तों इस चीज़ को हम लोग को जो है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव देखने को जो डेटा है वो यहाँ पर नजर आ रहा है। और फिलहाल मैं आप लोग को रेकमेंड करूँगा कि कंपनी में जिस प्रकार वर्तमान डेटा को अगर देखा जाए तो कंपनी में जो है रेवेन्यू में दोस्तों बिग टाइम गिरावट यहाँ पर रहने वाली है। बाकी अगर नेट इनकम की बात की जाए तो उसमें काफ़ी अच्छा सुधार रहने वाला है। डेली टीपीएस की अगर देखा जाए तो उसमें काफ़ी अच्छा सुधार रहने वाला है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन पर देखा जाए तो उसमें काफ़ी अच्छा सुधार देखने को नजर आ रहा है। और ऑलरेडी अगर देखा जाए तो दोस्तों मार्केट फिर से रिकवर होता हुआ देखने को मिल रहा है, तो मार्केट में दोस्तों बड़ी जो तेज़ी है फिर से देखने को मिलने वाली है। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो दोस्तों मार्केट में अगर तेज़ी देखने को मिलती है तो दोस्तों छोटे पैनी स्टॉक पर इस चीज़ का जो असर है वो बड़ा नजर आएगा। और जितना हो सके दोस्तों अभी टाइम ZTL इंफ्रास्ट्रक्चर पर देखा जाए तो तेज़ी काफ़ी अच्छी बढ़कर देखने को नजर आ सकती है। फिलहाल दोस्तों होल्ड रखने की आप लोग को आवश्यकता रहने वाली है। फिलहाल आप लोग को बेसिक जानकारी की और बेसिक फंडामेंटल की ओर लेकर चलो दोस्तों, उससे पहले बता दूं चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर से सेलेक्ट। तो दोस्तों फिलहाल अगर आज के इंट्राडे का कारोबार की अगर बात की जाए तो दोस्तों अगर देखा जाए 27 अक्टूबर आज का कारोबार कंपनी में देखा जाए तो काफ़ी बड़ा कारोबार देखने को नजर आया है। सबसे पहले दोस्तों अगर देखा जाए तो सेलिंग ऑर्डर काफ़ी बढ़िया लगी है। पहले तो नेगेटिव आज जो देखने को नजर आई 1,28,27,030 से दोस्तों आज के मार्केट पर सेलिंग ऑर्डर लगी है, जो 95 पैसे के प्राइस पर लगी है। पर उसके विपरीत अगर देखा जाए दोस्तों 90 पैसे पर जो देखने को नजर आई बाइंग ऑर्डर 1,63,77,664 शेयर का आज के मार्केट में एक सेलिंग ऑर्डर लगा है। और उसके विपरीत अगर यहाँ पे देखा जाए तो 4,51,29,477 शेयर का एक बाइंग ऑर्डर लगा है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे देखा जाए तो बड़ी जो बाइंग क्वांटिटी दो अलग अलग लगी है, जिसमें टोटल जो क्वांटिटी रहने वाली है 6,15,341 शेयर का। तो अभी के टाइम दोस्तों इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट में किस प्रकार की जो है दोस्तों कारोबार देखने को नजर आई है। कारोबार देखा जाए तो दोस्तों कारोबार काफ़ी अच्छा कम देखने को नजर आया 1,59,62,104 शेयर पर। अब दोस्तों मैं आप लोग को बताऊँ कि मंडे को जो है इसी बाइंग ऑर्डर के चलते बड़ी जो है आप लोग को तेज़ी रहने वाली है,
क्योंकि दोस्तों एंड क्लोजिंग के वक्त अगर यहाँ पे बाइंग ऑर्डर लगा है तो मार्केट में फिर से जो देखा जाए तो उस नेक्स्ट ट्रेड के ऊपर बड़ी जो तेजी देखने को नजर आएगी और दोस्तों ये मंडे को देखने को नजर आएगा। फिलहाल देखा जाए तो चार्ट संकेत की अगर बात की जाए तो दोस्तों चार्ट का जो संकेत है अभी के टाइम काफी पॉजिटिव रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों अगर लास्ट क्लोजिंग की अगर बात की जाए तो जिस प्रकार मैंने आप लोगों को बताया कि लास्ट क्लोजिंग के ऊपर दोस्तों बड़ी जो है बाइंग ऑर्डर लगी है और साथ ही साथ दोस्तों अगर डेटा देखा जाए तो वो काफी ज्यादा पॉजिटिव देखने को नजर आ सकता है, क्योंकि कंपनी की जो है क्वार्टर टू की जो डेट है वो शायद दोस्तों मंडे तक यहाँ पे फाइनल हो सकते हैं, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि दोस्तों कंपनी को जो है टोटल जो कंपनी है 14 नवंबर पहले कंपनियों को रिजल्ट यहाँ पे जारी करना अनिवार्य है। तो फिलहाल दोस्तों आपकी नजर में इस शेयर की और कोई भी जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर से बता देना। उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आई होगी, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों जो भी चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपकी नजर में कोई पेनी स्टॉक हो तो जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करिए आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।